हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड फॉर्म से नेटवर्क सिंथेसिस। तो फर्स्ट और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते थे, जेनेस के पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड फॉर्म में क्या करना होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस अडॉप्ट करना होता है और हमको वाई एस के पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, वाई एस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इफ जेनेस इज दिस देन वाई एस विल बी एस इंटू एस प्लस थ्री सॉरी एस प्लस टू एंड एस प्लस 5, ठीक है, अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूमरेटर है हायर ऑर्डर, ठीक है, और ये लोअर है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिग्री को लो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इस एस को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस अपॉन एस। नाउ दिस विल बिकम एस प्लस 2 एस प्लस 5 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 4। अगेन डिग्री इक्वल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को लेस करना है। अगर इसे लेस करना है तो हमें इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5s अपॉन s, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10। वन से इसको डिवाइड करते हैं, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 4 माइनस हो जाएगा 2s प्लस 6, ठीक है। तो अब हमारा जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वाई एस अपॉन एस इक्वल्स टू 1 प्लस 2s प्लस 6 अपॉन 5s प्लस 4। या हम इसको लिख सकते हैं ys अपॉन s इक्वल्स टू 1 प्लस 2s प्लस 6 अपॉन s प्लस 1 इंटू एस प्लस 4। नाउ ये हमारा न्यूमरेटर की पावर कम हो गई है, तो अब हम इसके पास फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो वाई एस अपॉन एस इक्वल्स हो जाएगा 1 प्लस ए अपॉन एस प्लस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आ जाती है, ए निकल के आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 4/3, ठीक है, और पी की वैल्यू निकल कर आती है 2/3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो वाई एस अपॉन एस इक्वल्स टू जाएगा 1 प्लस 4/3 अपॉन एस प्लस 1 प्लस 2/3 अपॉन एस प्लस 4। अगेन जैसा कि हमने फर्स्ट और फर्स्ट फॉर्म में किया था, एस प्लस 1 की फॉर्म हमें लेके आनी है, तो यहाँ तो ऑलरेडी है लेकिन यहाँ हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, वाई एस अपॉन एस इक्वल्स टू 1 प्लस 4/3 एस प्लस 1, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 2/6 2/12 यानी कि 1/6, तो ये जाएगा 1/6 एस बाई 4 प्लस 1, ठीक है। तो ना हमारे पास तीन फंक्शन बन गए, वाई 1 वाई 2 वाई 3, ठीक है, तीनों हमारे पास सीरीज में है। तो अब हम क्या करते हैं, एस की मल्टीप्लाई ऑर्डर लेते हैं अभी। तो वाई एस इक्वल्स टू एस प्लस 4/3 एस अपॉन एस प्लस 1 प्लस एस बाई 6 अपॉन एस बाई 4 प्लस 1, ठीक है, वाई 1 वाई 2 वाई 3, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से y1 को कंपेयर कराते हैं। तो y1 इक्वल्स टू s, जब हमें s से कंपेयर कराना है तो हमें टेबल देखनी पड़ेगी y वाली। जब हम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट फॉर्म करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में हम टेबल कौन से देखते हैं, z वाली। अभी हमें y की टेबल देखना है और y की टेबल में देखना है कि s कहाँ आता है, तो s हमारा कैपेसिटर के केस में आता है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, कैपेसिटर से, जिसका फंक्शन होता है सी एस y इक्वल्स टू, ठीक है, जेड इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सी एस, वाई इक्वल्स टू आता है सी एस। तो यहां से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो सी इक्वल्स टू 1 फैरड,
इन केस ऑफ y1। सिमिलरली जब y2 को कंपेयर करेंगे तो y2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 by 3 s अपॉन s plus 1। s अपॉन s plus 1 कहां पर आता है, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो y की टेबल में जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलेगा कि s अपॉन s plus 1 निकल के आता है r और c के सीरीज सर्किट में। तो r और c का सीरीज सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, r और c, ठीक है, तो इन दोनों का सीरीज सर्किट में क्या हो जाता है, ये हो जाएगा r plus 1 अपॉन cs, और फिर इसका भी उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा सी एस अपॉन आर सी एस प्लस वन, ठीक है। इससे हमें कंपेयर कराना है, जब इससे कंपेयर कराएंगे तो हमें क्या निकलेगा कि सी के इक्वल कितना आ गया 4 बाई 3 एंड आर सी के इक्वल कितना आ गया 1, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 बाई सी या फिर 3 बाई 4 ओम, और ये फैरड। बाई 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, सिमिलरली हम बाई 3 कैलकुलेट कर लेंगे बिल्कुल सेम पैटर्न पे, तो एस बाई 6 अपॉन एस बाई 4 प्लस 1, यहाँ से कंपेयर कराते हैं तो सी इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 4, सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई 6 एंड आर सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई 4, तो यहाँ से आर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी है 1 बाई 6, तो 2 3, यानी कि आ जाएगा 3 बाई 2 ओम, ठीक है। तो एक वैल्यू ये निकल के आ जाती है हमारी, आर की वैल्यू ये निकल के आ जाती है, यहाँ सी ये निकल के आ जाएगा, आर की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास बाई 1 बाई 2 बाई 3 तीनों निकल के आ गए, क्योंकि वाई को जब हम सीरीज में ऐड करते हैं तो पैरेलली ऐड किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको वाई को पैरेलली ऐड कर देंगे, तो हमारा जो फंक्शन होगा दिस इज बाई 1 एंड बाई 1 इज कैपेसिटर, ठीक है, दिस इज योर बाई 1, योर बाई 2 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी, ठीक है, तो आर एंड सी, योर बाई 3 इज ऑल्सो सीरीज कॉम्बिनेशन वाई एंड सी, एंड ऑल दिस बाई 1 बाई 2 बाई 3 आर इन पैरेलल। The value of C is 1F, this R is 3 by 4 ohm and C की value 4 by 3 farad, this R की value हो जाएगी 3 by 2 ohm and capacitor की value हो जाएगी 1 by 6 farad and this is your YS. This is how we done the network synthesis using Foster second form, ठीक है। तो we hope you will understand this method. इसके बाद हम करेंगे